कपिल और श्वेता लेकर आ रहे हैं लो बजट का बिग लॉस. प्लीज वेलकम देम. बिग लॉस सीजन 5 में आप सबका स्वागत है. बिग लॉस चाहते हैं कि अर्चना और सोहेल अपनी कुर्सियों पर खड़े हो जाएं. घबराइए मत, हम आपको स्टैंडिंग ओवेशन देने के लिए नहीं कह रहे हैं. हम सिर्फ यही देखना चाहते हैं कि सोहेल पूरी पैंट पहने के आज भी आधी निकल में आया है. और अर्चना, आपको इसलिए कहा जा रहा है, आज मैं आधी पहन के आई हूं. ये अदला बदी बंद करिए और बिग बॉस के हिसाब से चलिए. बिग बॉस अर्चना को इसलिए खड़ा कर रहे हैं ताकि वो देख सके कि सोहेल की पैंट कहीं अर्चना ने तो नहीं पहनी. वही हुआ. खैर, ये सब चीजें तो एक्ट के बाद भी पता चलती रहेगी. तो सबसे पहले बिग लॉस सीजन 5 के पहले कंटेस्टेंट का स्वागत करते हैं. जोरदार तालियां. थैंक यू सो मच. मैंने कभी बस करो आज जब बजाना आता तब बजा देना. मैंने कभी जिंदगी में मतलब सोचा नहीं था कि मेरी ये तो बिग लॉस के घर में सिलेक्शन हो जाएगी. मैं सबसे पहले ना अपनी एक सेकंड मम्मी को फोन कर दूं. हेलो सविता. सविता, हेलो सविता डार्लिंग. अरे नहीं, बच्चों की मम्मी की बात कर रहा हूँ. हेलो. हाँ अच्छा सुन, मैं इधर पहुंच गया हूँ बिग लॉस के घर में. और तू किसी और के घर में मत निकल जाना. ये ना हो मेरा इधर पहला एपिसोड, तू इधर ग्रैंड फिनाले मना रही हो. ये इतना धीरे धीरे क्यों बोल रही है? क्या कल से गला बैठा हुआ है? मेरे को सब पता है कौन सा कल से गला बैठा हुआ है. जो सुबह से मिश्रा लेटा उसको भगा यहाँ से. हाँ चल ठीक है, ओके भाई. सर जी, मतलब मेरे को ना कुछ नहीं पता चल रहा कि मेरे को इधर बुला क्यों लिया बिग लॉस में. आपको तो पता ही सर जी, हर एक फोकट आदमी का सपना होता है कि बिग लॉस में आए. तो वैसे मेरा भी एक सपना था, पर मेरे को एक बात समझ में नहीं आती सर जी. 100 दिन उनके घर में रहो फिर जाके 1 करोड़ रुपए जिताते हैं. इससे अच्छा तो अपना KBC बच्चन साहब 15 मिनट में 15 सवाल पूछ के 5,000 दफा करते हैं. वो ज्यादा सही लगता है. मेरे भाई को जब पता चला ना, ये कहता पाजी मैंने भी जाना बिग लॉस में, 1 रुपया जीत के आना है. 1 करोड़ रुपया. मैंने कहा मान ले अगर तू 1 करोड़ रुपया जीत गया तो तू कैसे फील करेगा? कहता पाजी फील क्यों करना, मैं तो पागल ही हो जाऊंगा. तो मैं कहा इसका मतलब तू पहले भी 1 करोड़ रुपए जीत चुका है ना. खैर पाजी मेरी तो सिलेक्शन होगी, मैं देखूंगा और कौन कौन से सेलिब्रिटी आ रहे हैं. बिग लॉस बिग लॉस बिग लॉस बिग लॉस बिग लॉस बिग लॉस. ओह माय गॉड, इतनी फेमस पर्सनालिटी, कौन है आप? तुमने मुझे नहीं पहचाना? मैं टेलीविजन स्टार श्वेता तिवारी हूँ. तुम श्वेता तिवारी हो? तो वो जो अदालत सीरियल में काला कोट पहन के आता है वो कौन है? वो रौनित रॉय है. तो पहले बताना चाहिए था. मैं तो इस करवा चौथ पे इसके लिए सिंदूर की डिब्बी और बिंदिया का पत्ता लेके जाने वाला था. व्हाट? या स्टूपिड, मुझे तो कहा गया था कि बिग लॉस में मेरे साथ सेलिब्रिटीज होंगे, ये किसको भेज दिया? मैं कोई ऐरा गरा नथू खैर इंसान नहीं, समझ में आया ना? अपने गांव की रामलीला में 10 साल तक मैंने द्रौपदी का रोल किया है. ए इडियट, द्रौपदी रामलीला में नहीं महाभारत में होती है. तब भी मैं कहूँ रावण की सेना कभी कभी आ जाती, पांडव क्यों नहीं आ रहे? अच्छा चलो, हमें 3 महीने की बात है, उसके बाद मैं शो जीत के अपने घर, तुम शो हार के अपने घर. तुम जीत के? या अपनी शक्ल देखी है? देखो शक्ल के हिसाब से अगर जितवाते ना तो बिंदु दारा सिंह कभी नहीं जीतता रहा, समझ में है ना? और तुम मेरे को क्या समझ रही है? मेरे गांव में जितने कंपटीशन सारे मैंने जीते. अभी 1 महीना पहले कंपटीशन हुआ कि 1 मिनट में 1 गिलास दूध पीना है, 10,000 रुपए इनाम. तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, 1 मिनट में 1 गिलास दूध कोई भी पी सकता है? कोई भी पी नहीं सकता. दूध गिलास में नहीं पीना था, सीधा भैंस के पास से करके वैसे पीना था. ग्रॉस. और तुमने वो कंपटीशन जीता? मेरे साथ धोखा हो गया, मैंने मना कर दिया. सबको सालों ने भैंसे दी, मेरे को भैंसा दे दी गुस्से. मैंने मना कर दिया. You know what? What? तुम इसी तरह के बेहुदा कॉम्पिटिशन्स के लायक हो, क्योंकि इस कॉम्पिटिशन में तो सिर्फ और सिर्फ मैं ही जीतूंगी. बताओ तुम्हारा रूम कहाँ है? देख लो आजकल की लड़कियाँ कॉम्पिटिशन जीतने के चक्कर में मेरे रूम में आने को तैयार है. देख अगर ये बात है ना तो मैं तो अपना नोएडा वाला प्लॉट हारने को तैयार हूँ. Hey, idiot! Stupid! इतना कैमरे लगी इधर. मैं उस रूम की बात कर रही हूँ जिसमें तुम रहोगे. तुम कहाँ रहोगे? क्या मतलब तुम? एक ही रूम में रहेंगे हम लोग दोनों. क्या? हाँ. मैं एक पराए मर्द के साथ एक ही रूम में नहीं रह सकती. तब इतनी जल्दी मैं दूसरा पराए मर्द कहाँ से लाऊं?
सुन मेरी बात, मेरे को प्रयास में कोई जरूरत नहीं है, तो मेरे को अपने छोटे पति की तरह समझ। मेरी बात तो सुन ले पहले। देख ये रूल है बिग लॉस का कि हमें एक ही रूम में रहना है। ये देख तेरे को रूल नहीं पता बिग लॉस के, तूने रूल नहीं पढ़े। ये देख सबसे पहला रूल, सुबह हमें 11 बजे उठ जाना है सो के। क्या? हाँ सुबह 11 बजे। इधर आ जा तू, कैमरे लगे। इतना लेट? पर सुबह 11 बजे मैं नहीं उठ सकती, मुझे सुबह 6 बजे उठ के योगा करना होता है। क्यों? योगा करना हो। योगा करना क्या? योगा करना तेरे को 6 अबे मल्टी कैमरे लगे ना, लोगों को इंप्रेस करने के लिए बोलती मेरे को योगा करना है। वैसे ऐसी लड़कियों के घर में दोपहर 1 बजे चले जाओ, होश नहीं होती, कहाँ सो रही, कुत्ते मुंह चाट चाट के निकल रहे होते हैं। किधर है रूल बुक? दिखाओ मुझे। पढ़ो फिर बात करो मेरे साथ। क्या लिखा है इस रूल बुक में? लिखा है बिग लॉस चाहते हैं कि कोई भी डिनर में 2 रोटी से ज्यादा नहीं खाए। हैं? कोई बात नहीं ना, हम लोग 2 रोटियां खाएंगे, उसके बाद हम लोग पूरियां बना लेंगे। इडियट, जितना लिखा है उतना ही खाना पड़ेगा। आगे लिखते हैं कि बिग लॉस चाहते हैं कि बाथरूम जाने के लिए हर बार 2 रुपए देने होंगे। ओह माय गॉड, थैंक गॉड मेरा पेट खराब नहीं, तो 1 घंटे में लाखपति बन जाते हैं। इडियट, इन्होंने लिखा है कि 2 रुपए सिर्फ 15 मिनट के लिए हैं, अगर 15 मिनट से ज्यादा रहोगे ना तो 20 रुपए देने पड़ेंगे। पागल है साला, जब डिनर में 2 रोटियां दे रहा है तो 15 मिनट से ज्यादा बैठ के क्या स्वेटर बुनेंगे हम लोग? 2 रोटियां तो 15 सेकंड में बाहर आ जाती है। बिग लॉस चाहते हैं, आगे लिखा है तुम लोग नहीं जाते, तुम लोग फैक्स करती हो। बंदे वाली कौन सी बात है? ओह गॉड, किसको भेज दिया मेरे साथ बिग लॉस? ओके आगे रूल पढ़ो। आगे लिखा है बिग लॉस चाहते हैं कि बिग लॉस क्या चाहते हैं? बिग लॉस ये चाहता है, बिग लॉस ये साला बिग लॉस है क्या? बिग लॉस ना हो गया, दूल्हे का जीजा हो गया, फालतू की डिमांड करे जा रहा है। शुक्र है बिग लॉस के घर में नहीं गया, अपने घर में। तुम अंगूठा चूस ले अपना। शुक्र है मैं बिग लॉस के घर में नहीं गया। Shut up, idiot! बिग लॉस सुन लेंगे, इतनी जोर से मत बोलो। तो फिर क्या बिग लॉस होगा? अपने घर में होगा, हम लोग अपने घर में बैठे। ये बिग लॉस का घर नहीं है? नहीं, ये किशनलाल मिश्रा आटा चक्की वाले उनका घर है। मेरे दादाजी, मैं तो रिहर्सल कर रहा था कि इनकेस अगर मुझे बुला लें बिग बॉस में तो कैसे रिहर्सल करनी, जाना कैसे, मैं तो रिहर्सल कर रहा था। क्या? इसका मतलब मैं गलत घर में आ गई? गलत घर में नहीं, सही घर में आई तू। उधर 100 दिन रुक के आई थी ना, कितने पैसे मिले? 1 करोड़ रुपया। इधर 4 दिन रुक, तेरे को 3000 रुपए दूंगा मैं। मेरा मतलब देख, उधर जाके क्या करना तू, उधर 1 करोड़ रुपए जीता ही ना, अब चुपचाप इधर खड़ी रह और कॉमेडी सर्कस जीत। अच्छा ठीक है। अर्चना, बिग लॉस में जाना चाहेंगी आप? ट्रस्ट द कॉमेडी सर्कस राइटर्स टू फाइंड सच अ करंट टॉपिक और उस पर एक इतना बढ़िया उम्दा एक्ट लिखना, बोथ ऑफ यू वेरी एंटरटेनिंग है। It is fantastic for me. Yaar, you guys are the best on floor. Shweta, you, him, when you all come together, it's magical, yeah. Undoubtedly. Thank you so much, sir. Bye. Thank you so much. Not a perfect act, but for me, a perfect 10. Thank you. Thank you so much. Thank you.